बरेली के कस्बा शेरगढ़ में चल रहे थे फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने की छापेमारी, जिसमें कस्बे में चल रहे फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटरों में भारी गड़बड़ी मिली। मजे की बात तो ये है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम जैसे ही फर्जी अल्ट्रासाउंड के खिलाफ छापेमारी की कार्यवाही करने की सोचती है, तुरंत विभाग के ही कुछ लोगों के द्वारा स्वास्थ्य विभाग की गोपनीयता को भंग करते हुए फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटरों के मालिकों को सूचना दे दी जाती है। सूचना के तुरंत बाद ये सेंटर मालिक अपने अपने सेंटरों को बंद करके भाग खड़े होते हैं। यहाँ बताते चले कि कस्बा शेरगढ़ में चल रहे फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर धड़ल्ले से गर्भपात भी कराया जाता है और ये सब स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही एवं संरक्षण का नतीजा है। छापेमारी के नाम पर जनता को लॉलीपॉप देखकर सिर्फ अवैध उगाही की जाती है। स्वास्थ्य विभाग के इस कार्यवाही पर अक्सर सवालिया निशान भी लगते हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि आंखें मूंदे बैठे हैं। कभी फर्जी अस्पतालों की चेकिंग के नाम पर तो कभी फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच के नाम पर ये सब गोरख धंधा चल रहा है। इसमें कोई भी अधिकारी कोई ठोस कार्यवाही करने के मूड में नहीं है, शायद इसीलिए कि उगाही का कुछ हिस्सा उनका भी होता होगा। जनता अल्ट्रासाउंड सेंटर, गुड केयर अल्ट्रासाउंड सेंटर पर टीम जब गई तो सभी सेंटर बंद मिले। इसके बाद टीम ने मालिकों को फोन कर अल्ट्रासाउंड सेंटर खुलवाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम थी। जब इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग की टीम से मीडिया कर्मियों ने लेनी चाही तो वह आए बाए साए करने लगे और कुछ भी बोलने से कतराने लगे।